पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कृषि कानूनों को मंजूरी के एक साल पूरा होने पर आज 27 सितंबर को किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया और ये बंदी सोमवार की सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रही। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने भारत बंद को सफल बताया और कहा कि वो पूरी तरह से सब कुछ नहीं बंद कर सके क्योंकि लोगों की आवाजाही को पूरी तरह से रोकने का लक्ष्य नहीं था। टिकैत ने कहा कि वे सरकार से बातचीत को तैयार हैं, लेकिन इसकी पहल ही नहीं हो रही है। बता दें कि एक साल पहले 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए कृषि कानूनों को मंजूरी दी थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी सरकारी और निजी कार्यालयों, शैक्षणिक और अन्य संस्थानों, दुकानों, उद्योगों को बंद किए जाने का आह्वान किया था। हालांकि अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स जैसी आपात सेवाएं जारी रही। इस दौरान आश्वस्त किया था कि ये बंद शांतिपूर्ण और स्वैच्छिक होगा। किसानों ने इस भारत बंद को पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक सफल बताया है। इस दौरान कांग्रेस ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है, तो वहीं मुरादाबाद में भी शिवसेना के द्वारा प्रदर्शन किया गया और किसानों के साथ खड़ी होकर उनकी आवाज को बुलंद किया। तो वहीं मुरादाबाद के विभिन्न स्थानों पर किसानों के द्वारा रोड जाम करके अपना विरोध दर्ज कराया गया। अंधी बेरी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अंधी बेरी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अंधी बेरी ये सरकार। आज आप देख रहे हो पूरे देश में भारत बंद का आह्वान है। सड़कों पे किसान उतरा हुआ है। शिवसेना के राष्ट्रीय नेताओं से लेकर के उत्तर प्रदेश के समस्त नेताओं ने इसका समर्थन किया है। शिवसेना हमेशा समर्थन करती रही है। आज भी शिवसेना ने इस काले कानून को वापस लेने के लिए ज्ञापन दिया कि वो करी है और हाईवे पर बैठ करके शिवसैनिक धरना देकर के किसानों का समर्थन कर रहे हैं। इसी के लिए हम सब लोग बैठे हैं। शिवसेना के समस्त पदाधिकारी इस किसान के काले कानून के विरोध में हैं। इसके लिए धरना दिया शिवसैनिकों ने। जिस तरह से लगातार सरकार से मांग की जा रही है, सरकार नहीं मान रही है, क्या कोई बात नहीं? सरकार जो की लड़ाई अपनी तरह से लड़ रही है और किसानों के साथ समस्त देश लड़ रहा है और शिवसेना पूर्ण रूप से सड़क से लेकर संसद तक लड़ रही है। आपने पहले ही देखा कि शिवसेना के सांसद, शिवसेना के नेता हमेशा सड़कों पर रह करके भी लड़ाई लड़ी है और इस लड़ाई के लिए शिवसैनिक हमेशा तैयार हैं और किसानों के पूर्ण समर्थन में आज शिवसेना भारत बंद में पूर्ण समर्थन करके शिवसेना सड़कों पर उतरी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।